पता क्या कह रही है, पापा मैं आपकी गोदी नहीं आऊंगी, जब ठीक हो जाएगा तब आऊंगी। बहुत समझदार बच्चा है। देख गाइस, आई थिंक समवेयर ही नोज दैट पापा को चोट लगी है। बेचारा अभी बाहर से आया, मेरे को बैठ के तब से चाट रहा है। आई एम नॉट एबल टू पिक हिम अप सिंस 3 डेज। आई थिंक इनको पता चल जाता है यार कि समवन इज नॉट वेल। मेरा बच्चा माऊ सच्चे मन से प्यार करता है मेरे को। ये मेरा बेबी, देखो यार कितना चाट रहा है मेरे को बेचारा। गाइस इट इज 3 in the afternoon। नहा धो लिया मैंने, कल पूरा दिन मैं नहाया नहीं था। आज मैं क्या बताऊँ यार, इतना ख़राब दिन रहा मेरी लाइफ का आज। यूजुअली आई व्लॉग एवरीथिंग जो भी मेरे साथ होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। मैं व्लॉग ही नहीं कर पाया क्योंकि जस्ट इट इज़ जस्ट नाउ दैट आई एम एबल टू गेट अप लिटिल बेट, और मैं उतना चल भी नहीं पा रहा। बट सुबह से तो मैं उठ ही नहीं पाया यार। आई स्लेप्ट एट 2 लास्ट नाइट, गॉट अप एट 6। उठ के मैं चेयर पर बैठा रहा, ये लोग सो रहे थे। आई ट्राई गेटिंग अप, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा यार। टुडे हैज़ बीन सच अ, इतना दर्द था मेरे को यार। और डॉक्टर ने कहा पानी बहुत पीना है, पानी पियो तो वॉशरूम इतना जाना पड़ता है। भाई मैं वॉशरूम जाने की हालत में नहीं हुआ, कैसे तैसे बेचारी मेरी वाइफ यार। मेरे को इतना दुख हो रहा था यार, अब हर चीज़ के अवेलेबल पे क्या ही बताऊँ मैं। बट बहुत ही ख़राब दिन था आज मेरे लिए यार, चल ही नहीं पाया मैं भाई, चल ही नहीं पाया मैं। आई वाज लाइक भगवान यार, जिम विम तो छोड़ दे, बॉडी वॉडी छोड़ दे, बस यार पैर मेरे सही हो जाए, मैं चल सकूँ यार, मैं अपना बच्चे को गोदी उठा सकूँ यार। एंड इट हैज़ बीन सच अ बैड डे टुडे। लाइक आई एम प्रीटी स्ट्रॉन्ग गाय मतलब, बट एक टाइम को सुबह सुबह अराउंड 10-11 आई जस्ट ब्रोक डाउन यार। आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वाज लाइक भगवान सबको स्वास्थ्य अच्छा दे यार। पैसा वैसा तो लोग कमा लेते हैं, बट स्वास्थ्य अगर किसी का चला जाना। एंड व्हेन यू लूज़ अ बॉडी पार्ट या फिर थोड़े टाइम के लिए वो काम करना बंद कर देता है, तो आपको रिलाइज होता है कि यार हाँ, बॉडी का एक जॉइंट भी अगर ख़राब हो जाए ना, बॉडी रुला देती है आपको। भाई यार बहुत ही ख़राब दिन रहा यार, बहुत ही ख़राब दिन रहा। व्हाट इज़ द वर्स्ट डे, आई वाज सपोज्ड टू गेट बेटर, बट बेटर की जगह वो ख़राब हो रहा था। अभी हम लोग MRI कराने जा रहे हैं, एक्सरे कराने जा रहे हैं। स्मॉल लेटर 6 स्मॉल लेटर कर रहे आप? तू मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। दिखा क्या याद किया, दिखा तूने क्या याद किया। ये किसका स्मॉल लेटर है, ये किसका बेबी है? हाय, ये किसका बेबी है? याद करो याद करो, देखो इसको देखो, थिंक थिंक थिंक, पता है इसको, पता है याद, देखो हाँ किसका ये का नाम, इसका कुछ नाम है ये ये किसका बेबी है बेटा? ये क्या घटिया बना, तो मैं ना बता पाऊँ क्या बनाया ये। बता दिया उसने, ले ओ के फॉर काइट का। अरे वाह यार, मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अरे वाह रशु, भाई राम स्मॉल लेटर भी सीख गया ये। ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1। बता बता बेटा। ए प्रभु मदद कर, कोई नहीं, गाड़ी की फिक्र नहीं करो इस टाइम पे। कैसे करोगे? आजा उतारना पड़ेगा भाई। चलो भगवान की जैसे उठ गया, गाना चाहिए था बोल क्या हो अंदर से एम्बुलेंस टाइप। लोग आ चुके हैं, ये राज स्कैनिंग, यहाँ पे हमारे एक्सरे कराएंगे, इसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद कैरो के पास जाएंगे। बट बात ये है कि मेरे साथ अभी दिक्कत क्या हो रही है, 5-6 फॉर लॉन्ग एंड बाय लॉन्ग आई मीन इवन 30 मिनट्स एट 1 पोजीशन, देन मेरी पूरी जो है कमर अकड़ जाती है, जॉइंट अकड़ जाता है ना, कैन नॉट मूव विच इज हैपनिंग राइट नाउ। तो रितु अंदर गई, रितु अंदर गई है व्हील चेयर लाने को, क्योंकि मेरे से चला ही नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई। रोहन भैया है, ये अखाड़ा करते हैं रोज सुबह है। इनका एक वीडियो भी है जो मैं नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। कुश्ती करते भैया, और रोज कितने घंटे?
सही है भैया, बढ़िया है। चलो हम ठीक हो जाए तो आएंगे एक बार आपके यहाँ। सुबह कितने बजे उठते हैं? और डाइट क्या है आपकी? डाइट दूध है, केला है, चना है, बादाम का शरबत है। कितने बादाम का शरबत पीते हैं? कितना बादाम होता है? 30-35। हमने सुना है कुश्ती करते हो बादाम बहुत खाते ना वो लोग। आज डर लग रहा है रात को सोने में, सो वॉट के हाथ होती है ना, अभी तो फिर भी झेल सकता हूँ जो अभी हालत है। उसके बिना मैं चल नहीं पाता यहाँ पे। क्या कहते हैं इसको बेटा? सैक्रेलिक और इलियम बोन है ना। अरे सर धीरे धीरे ही चला जाता है इनसे भैया। गौरव फ्लाइंग भी घिसड़ते हुए आ रहे हैं। मोटा अंदर गया हुआ है। डरियो नहीं, ठीक है? क्या हो गया? हो गया है? 10 मिनट्स में हो गया? मेरा तो आधा घंटा लगा था। आपने मूवमेंट कर लिया होगा? मूवमेंट तो नहीं किया था मैंने। अच्छा, लेकिन हो गया ना पूरे अच्छे से? डरे तो नहीं आप उसके अंदर? मैं तो डर गया था कि घुट ना जाऊँ। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हाँ भैया ने कहा उठो उठो, बर्तन पकड़ के उठा दी। तो हमारा MRI और एक्सरे हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर काफी अच्छे डॉक्टर है क्योंकि रितु भी उनके पास गई जब रितु की नींद में प्रॉब्लम हुई थी। बट दिक्कत यह है कि काफी इंटीरियर जाके लखनऊ में और यहाँ पे सड़कें बहुत पतली है और हमें अपनी गाड़ी चलाने में दुख दुख हो रही है। आज हमारे फर्स्ट ऑफिसर गाड़ी चला रहे हैं। ओए मैं कैप्टन बन चुका हूं गाड़ी में, तो BMW का फर्स्ट ऑफिसर है। तो हम आ चुके हैं अपने डॉक्टर साहब के, डॉक्टर हरीश। लेकिन देखिए यहाँ दीवार पे कोई नंदनी लिख के गया है, नंदनी। उसको पता है नंदनी डॉक्टर हरीश के आती है, यहीं आएगी इलाज कराने। अपना कहाँ जाएगी बेटा? बच्चों के टुड्डे हाथ पैर का इलाज। तो भैया डरा दी, कह रहे कमर पे इंजेक्शन लगेगा भाई। टेस्ट क्या करते हैं भैया? हम पहली बार देख रहे हैं। अगर रिएक्शन कर जाए तो कैसा चल रहा है? अभी नहीं बताएंगे। किताब हमने पढ़ी है, दोनों का बताएं। किताब पढ़ा जाके दस मिनट से कह रहा हूँ गिलास ले जा भैया, गिलास लेने नहीं आ रहे। पैसे हो गए ना इसलिए नहीं आएंगे। नीचे फेंक दे, गंदगी फैला दे। अरे ले जाना यार। क्या माल है भैया? चल छोड़। किसने दिया बैग? हर्षिता दीदी ने। क्या फोटो खींचू? ले लिया, ब्लॉग में ले लिया। ये भी दिया है? जस्ट बैक फ्रॉम द डॉक्टर्स। अभी घर पे फिजियोथेरेपी वाले आ रहे हैं, घर पे कुछ LWD सेशन करेंगे। डॉक्टर ने इतना मोटा इंजेक्शन ठोका है कमर में और बोला कि भाई स्पैजम हो गया, जो स्पाइन की होती है ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे, तो जो नीचे वाला ये पार्ट है ये हटके स्ट्रेट हो गया बिकॉज स्पैजम है, स्ट्रेस है, तो ताकि और ज़्यादा वहाँ डैमेज ना हो तो मसल से एक प्रोटेक्टिव उसमें चली गई है, एकदम स्ट्रेट हो गई है, तो वहाँ से लचीलापन सरल भाषा में चला गया है और लोड लेना उन्होंने बंद कर दिया। डॉक्टर ने और क्या कहा था? तो थी ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा था जो आपके स्पैजम की वजह से ना जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड अप हुआ है। हाँ, एक दिन का काम नहीं है। तो स्पाइनल कोड है उसकी शेप बदल गई, मतलब सीधी हो गई है।